ऋषि, आपके इस साल को और भी यादगार बनाने के लिए आ रहे हैं आज की तारीख में मेलेडी के सबसे बड़े बादशाह। पिछले डेकेड को सुनो ना सगे मरमर, खामोशियां बातें कभी ना भूलना, चाहूं मैं या ना हमारी अधूरी कहानी मुस्कुराने की वजह तुम हो, जैसे ऑल टाइम क्लासिक से सजाने वाले एस कंपोजर जीत गांगुली। आज तो न्यू ईयर है, पहला दिन है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा न्यू ईयर है क्योंकि मैं डेब्यू कर रहा हूँ इंडियन आइडल का स्टेज में फर्स्ट टाइम। ऐसा लग रहा है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टूडियो में गया था ना गाना रिकॉर्ड करने के लिए, जो एक्साइटमेंट था आज वही हो रहा है। क्या बात है सर, आज आप ऋषि को सपोर्ट करने आए हैं, आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन हम फैंस ये चाहते हैं कि इस आशीर्वाद के साथ साथ अगर आप स्टेज पर ऋषि का साथ भी देंगे तो मजा आ जाएगा। मजा सर आ जाएगा। प्लीज मैं कोशिश करूंगा डेफिनेटली।
साज है, तुम धुन को लाओ जरा, खामोशियां अल्फाज है, कभी गुनगुना ले जरा, बेकरार है बात करने को। दादा क्या बात है ऋषि, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा सिंगर बनेगा। गॉड ब्लेस यू ऋषि। इतने गहरे, इतने ग्रेट कमेंट्स तुम्हें इतने महान कलाकार से जो मिल रहे हैं पहली जैन के दिन, वो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे लिए नया साल सचमुच बहुत ही मुबारक साबित हुआ है। फैंटास्टिक। गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू। बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, देवोस्मिता रॉय। देवोस्मिता देखो, वैसे मैं आपकी जर्नी फॉलो कर रहा हूँ, आप बहुत कमाल की है और बहुत ज्यादा सिंपल हैं आप। इतनी सिंपल हैं, आपकी सिंपलिसिटी की इतनी इतने चर्चे होते हैं। और आज 1st of January है, आपने अपनी न्यू ईयर 31st January, आप इतने सारे नए दोस्त हो गए हैं आपके मुंबई में, क्या किया आपने, कैसे मनाया आपने? एक्चुअली सर, हम जब घर पे रहती हूँ तो हर साल हम पापा मम्मी और मैं मनाती हूँ, तो इस बार पूरा मेरा आइडल फैमिली हो गया हम, तो इन लोगों के साथ हम नया साल मनाया, तो बहुत बहुत अच्छा लग रही है सर। देखो कि मम्मी पापा खास करके हमारे लिए खाना बनाया। आज नया साल है, बच्चा को मन पसंद खाना खाना बनाएगी, बच्चा देर बहुत पसंद आएगा। हम इतने टाइम से घर से दूर हैं और यहाँ पे हम सब अकेले ही रहते हैं, सो मतलब हमने ये बिल्कुल भी मतलब इमेजिन नहीं किया था कि हमको इतना अच्छा सरप्राइज मिलेगा न्यू ईयर। लगा कि घर का खाना खा रही है, और खास करके आंटी ने खुद अपने हाथों से खिला दिया, तो माँ वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत एंजॉय किया। तुम शाल आसछे तो सकल के खाइए, आमार खूब आनंद लागछे। हाउ स्वीट देवोस्मिता और आपकी फैमिली। आज देवो के माँ बाप ने हमें बताया कि पार्टी वो नहीं है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लोग पार्टी कर रहे हैं या मज़ा कर रहे हैं, एक पार्टी वो भी होती है जहाँ पे प्यार से आपको माँ के हाथ का निवाला मिल जाए, उससे बड़ी पार्टी कोई नहीं हो सकती। श्रीराम एंड देवोस्मिता, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी इस रॉकिंग परफॉर्मेंस का, तो हो जाए एक बार जोरदार तालियां। ऑल द बेस्ट। एक मैं और
इस तरह एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले तरंग लेकर हम दीवाने फिरते हैं मंजिल मंजिल जिस गली के तुम उस गली के हम For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.